सेकंड लॉ सभी बच्चों ने समझ लिया है न्यूटन का। अब न्यूटन का थर्ड लॉ है, ठीक है। थर्ड लॉ में स्टेटमेंट है, सभी ने अपनी किताबों में पढ़ा है कि एवरी एक्शन हैज़ एंड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है, जो न्यूटन ने अपने थर्ड लॉ में बताया, राइट। अब इधर आ जाएं ज़रा। अब बच्चों आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर बात ये है, न्यूटन ने ये बता दिया कि एवरी एक्शन हैज़ एंड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो जैसे माना अगर हम दीवार पर फोर्स लगाए तो दीवार भी हम पर फोर्स लगाएगी, राइट। अगर सपोज करो कोई भी एक्शन है तो उसका अपोजिट रिएक्शन ज़रूर होगा, बात क्लियर है। अब एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, उसमें बताना है कि क्या न्यूटन का लॉ इसमें भी, न्यूटन का थर्ड लॉ इसमें पास है या फिर फेल है। जैसे माना एक बुलडोज़र है, ठीक है। अब ज़रा इधर दिखाएं बोर्ड पर, यहाँ पर एक मेरे पास में ये दीवार है, ठीक है। कैमरामैन विजिबल है, सब ठीक दिख रहा है। यहाँ पर मेरे पास में एक दीवार है, ये यानी कि वॉल, और ये ईंटों से बनी हुई है। अब इस दीवार को तोड़ने के लिए हम बुलडोज़र लेकर आते हैं, ये आ गया बुलडोज़र, ठीक है। बुलडोज़र थोड़ा बड़ा हाई टेक बुलडोज़र है ये, नए ज़माने का, ठीक है। ये बुलडोज़र इस पर फोर्स लगाने के लिए आ गया। अब ये बुलडोज़र इस दीवार पर फोर्स लगा रहा है, ठीक है। और ये जो दीवार है, बताइए ये टूटेगी या नहीं। अगर हम न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जाएं तो आपके दिमाग में क्या सवाल आ रहा होगा कि जितना बुलडोज़र दीवार पर फोर्स लगाएगा उतना ही दीवार भी बुलडोज़र पर फोर्स लगाएगी। तो इस हिसाब से, इसके अकॉर्डिंग तो दीवार कभी टूटनी नहीं चाहिए। लेकिन आपने देखा जब कोई हमें घर पे कंस्ट्रक्शन कराना होता है या कोई भी मतलब ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसे तोड़ा जाता है, तोड़कर हम उसे बना रहे हैं, हम बुलडोज़र मंगवा रहे हैं, तो बुलडोज़र तोड़ देता है ना दीवार को, तो फिर वहाँ पर न्यूटन का लॉ पास है या फेल, जल्दी बताइए। क्या न्यूटन का लॉ वहाँ पर पास है या फेल? क्या है न्यूटन का लॉ? फेल। फेल, तुम बताओ क्या है? सर पास। कुछ बच्चे बता रहे, आप बताइए क्या है? सर पास है। सर पास है, आप बताइए क्या है? सर पास। अब कुछ बच्चे बता रहे पास और कुछ बच्चे बता रहे फेल, तो पास कैसे है पहले यही पूछ लेते हैं। हाँ बेटे, कोई एक्सप्लेन करेगा कैसे पास है? क्योंकि सर जो सब इसमें बताओ सर, जो बुलडोजर है सर, उसका सर मास ज़्यादा है, इस वजह से सर। ठीक, तो सर उसका सर वो फोर्स ज़्यादा लगाएगी, सर उसमें जितना वो लगाएगी उतना ही वो लगाएगी, लेकिन सर उसका मास ज़्यादा है, इस वजह से वो तोड़ देगी सर। अगर मास ज़्यादा है, ठीक है, तो फोर्स तो दोनों इक्वल लगाएंगे ना। चलो मास ज़्यादा मान लिया मैंने, तो फोर्स तो इक्वल होगा, ठीक है। अगर बुलडोज़र 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो दीवार भी 100 न्यूटन का फोर्स लगाएगी, तो दीवार को तो नहीं टूटना चाहिए। न्यूटन के अकॉर्डिंग यही तो है ना कि एवरी एक्शन हैज़ एंड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना बुलडोज़र फोर्स लगाएगा दीवार भी उतना ही लगाएगी, फिर दीवार के टूट रही है, बुलडोज़र का मास ज़्यादा है चलो मान लिया, लेकिन बुलडोज़र ने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया तो दीवार भी तो 100 का ही लगाएगी, फिर तो दीवार को नहीं टूटना चाहिए। कुछ कहना चाहेंगे? नो सर। और कोई बच्चा? चलो अब आ जाओ, आपका जो पॉइंट था ये सही था, लेकिन ये पूरी तरीके से एक्सप्लेन आप इसे नहीं कर पाए। अब समझिए कैसे। सपोज कीजिए बुलडोज़र ने फोर्स लगाया 100 न्यूटन का, ठीक है, तो दीवार भी कितना फोर्स लगाएगी? 100 न्यूटन का फोर्स लगाएगी, किस पर? बुलडोज़र पर, ठीक है। तो दीवार को क्या होना चाहिए? दीवार को नहीं टूटना चाहिए। लेकिन एक टाइम ये आ जाता है, आप सपोज करो बुलडोज़र ने कर दिया 120 न्यूटन का फोर्स, 120 न्यूटन, तो दीवार भी कितना कर देगी बताओ? 120 न्यूटन का फोर्स कर देगी, दीवार नहीं टूटी। लेकिन सपोज करो बुलडोज़र ने कर दिया 130 न्यूटन का, दीवार जो है वो टूट गई, तो अब हम क्या सोचते हैं? हम ये सोचते हैं कि न्यूटन का थर्ड लॉ फेल हो गया। लेकिन यहाँ पर भी न्यूटन का थर्ड लॉ पास है, क्यों? अब ध्यान से समझो, फोर्स जो होता है ये प्रोडक्ट होता है मास इंटू एसेलरेशन का। यहाँ भी जो फोर्स है वो भी किसका प्रोडक्ट है? मास इंटू एसेलरेशन। बुलडोज़र का मास ज़्यादा है मान लेते हैं, अब इसने फोर्स लगाने का चाहे तो ये एसेलरेशन बढ़ाएगा अपना नहीं, यानी कि फोर्स जो है वो दोनों चीज़ों का प्रोडक्ट है ना, मास और एसेलरेशन का। बुलडोज़र ने अपना एसेलरेशन बढ़ाकर फोर्स बढ़ा दिया, ठीक है ना। अब सपोज करो यहाँ पर ये 100 न्यूटन का फोर्स हो रहा है, तो इसमें सपोज हम मान लेते हैं कि 10 मास की वैल्यू है, 10 ही न्यूटन मतलब एसेलरेशन की वैल्यू, टोटल मिलाकर 100 हो गया। यहाँ भी हम मान लेते हैं कि मास भी 10 है और एसेलरेशन भी 10 है, टोटल मिलाकर 100 हो गया, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट ये है
कि बुलडोज़र अपने फोर्स को क्या बढ़ाकर, मतलब किस चीज़ को बढ़ाकर बढ़ा सकता है, तो वो बढ़ाएगा एक्सेलरेशन को बढ़ाकर। ठीक है, अब यही कॉन्सेप्ट तुम्हें लगाना दीवार पर, दीवार भी अपना फोर्स बढ़ाने के लिए मास तो बढ़ा नहीं सकती कि अपने ऊपर ईंटें उठाकर रख ले दीवार, ईंटें उठाकर रख सकती है कि अपने ऊपर, या कुछ रेत वेत सीमेंट वीमेंट के कट्टे अपने ऊपर रख ले अपना मास बढ़ा दे और उससे अपना फोर्स बढ़ा दे, नहीं कर सकता ना। तो अब दीवार के पास में एक ही चारा बचता है और वो चारा है एक्सेलरेशन को बढ़ाना। ठीक है, अब दीवार एक्सेलरेशन बढ़ाएगी अपना, तो एक्सेलरेशन बढ़ाने के लिए दीवार को हिलना पड़ेगा, दीवार को हिलना पड़ेगा। जब दीवार हिलेगी तो क्या होगा, दीवार टूटेगी, यानी कि दीवार अगर टूट रही है, वॉल अगर टूट रही है, तो वो टूट कर भी अपना क्या चीज़ बढ़ा रही है, एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन को इंक्रीज कर रही है, वो टूट कर भी, वो दीवार टूट कर भी क्या कर रही है, एक्सेलरेशन को इंक्रीज कर रही है। तो दीवार का टूटने का मतलब भी ये है कि ये फोर्स इक्वल कर रही है, ये नहीं कि ये यहाँ पर न्यूटन का थर्ड लॉ फेल हो गया, क्योंकि दीवार टूटकर बुलडोजर ने जितना फोर्स लगाया उसे इक्वल करना चाह रही है। अब उसके पास में इक्वल करने के लिए दो तरीके हैं, या तो वो अपना मास बढ़ाए या अपना एक्सेलरेशन बढ़ाए। अब दीवार मास तो बढ़ा नहीं सकती, तो बेचारी क्या करती है, अपना एक्सेलरेशन बढ़ाती है और वो टूट जाती है। बात समझे, तो दीवार के टूटने पर भी न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है, पास है। ठीक है, गुड।